हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो गाइज, अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग इस तरह का वीडियो अपने मोबाइल में बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिए। तो गाइज, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आप मोबाइल को ट्राइपॉड पर सेट करके एक रिकॉर्डिंग करेंगे कुछ इस तरह से। रिकॉर्डिंग को हमें दो बार में करना होगा। फर्स्ट रिकॉर्डिंग इस तरह से होगा, इसके बाद स्क्रीन से हट जाएंगे, इसमें कुछ समय खाली पार्ट मिल जाएगा। और सेकेंड रिकॉर्डिंग इस तरह से करना है, जो यहाँ पे खाली पार्ट है इसको ले लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद गाइस कैपकट ऐप को ओपन करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। अभी जो हमने वीडियो को रिकॉर्ड किया है उसको यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हो जाने के बाद दोस्तों, सबसे पहले इसका वॉइस जो है इसको म्यूट कर देंगे। इसके बाद जो इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देंगे, जहां तक एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा उसको कट करके हटा देंगे। इसके बाद जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग है जहां तक, वहां तक इसको वीडियो को यहां पे लेंगे, उसके बाद यहां से कट कर देंगे। यहां तक लेना है वीडियो, उसके बाद इसको स्प्लिट कर देना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट है इसको डिलीट कर देना है आगे का। अब यहां से थोड़ा जो खाली वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा लेना है यहां से। इसके बाद जहां से हमारा सेकेंड रिकॉर्डिंग शुरू हुआ है उसके आगे का एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करेंगे पहले। जहां से वीडियो सही लगे वहां से ले लेना है, उसके बाद बाकी एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देना है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है उसको ओवरले पे क्लिक करके इसको लेयर बना लेंगे और नीचे ले जाकर वीडियो को सेट कर देंगे। इसके बाद गाइस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और मास्क पे जाएंगे। मास्क पे हॉरिजॉन्टल वाला जो सेकेंड वाला ऑप्शन है उसको चूज करेंगे, उसको इस तरह से सीधा करके मिला के वीडियो के अकॉर्डिंग इसको सेट कर देंगे कुछ इस तरह से। गाइस मास्क को सेट करने के बाद जो हमारा सेकेंड लेयर है इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आगे होगा उसको डिलीट करना है। जहां तक ये हम जंप कर रहे हैं यहीं पे इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करके आगे का जो उसके पार्ट है उसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद गाइस यहां से एक स्क्रीनशॉट लेना होगा हमें, एक यहाँ का फुल स्क्रीन करके एक स्क्रीन शॉट ले लेना है। यहाँ से गाइज हमें जरूरत पड़ने वाला है बैकग्राउंड इरेजर ऐप का, तो हमें ऐप को ओपन कर लेता हूँ। बैकग्राउंड इरेजर ऐप, इस तरह से सेट करके मिला लेंगे। तो गाइज इसका हमें बैकग्राउंड जो है रिमूव करना है मैन्युअली। इस तरह इसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है पूरा अच्छे से। इसको जूम कर लेंगे हल्का सा। इसे जूम करके इसको अच्छे से इसको क्लियर कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से हमारा सब बैकग्राउंड इसका डिलीट हो चुका है। इसको सेव कर लेंगे अब अपनी गैलरी में। बैक आएंगे फिर से कैपकट ऐप ओपन करेंगे, सेम प्रोजेक्ट पे जाएंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में वीडियो के एंडिंग में जाएंगे यहाँ पे और उस लेयर को यहाँ से एड ओवरले क्लिक करके उस फोटो पे ले आएंगे। यहाँ पे फोटो वाले क्लिक करके जो भी हमने बैकग्राउंड डिलीट किया है उसको ले आएंगे, इसको सेट करके यहाँ पे पूरा वीडियो के अकॉर्डिंग इसको मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेना है।
इसके बाद हमें फर्स्ट की करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट की लगाएंगे, वो जो की वाला बटन दिख रहा है वहाँ पे फर्स्ट की पे प्रेस करेंगे। इसके बाद फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर ले जाएंगे, कुछ इस तरह से देख सकते हैं बन चुका है वीडियो यहाँ तक। इसके बाद जो सेकेंड लेयर है यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ पे रोकेंगे, उसके बाद ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे, जो टेलीपोर्ट वाला ऑप्शन है वो यहाँ से इंपोर्ट करके ले आएंगे। इसको जूम कर लेंगे फोटो के अकॉर्डिंग, अपने वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ तक इसको कर लेना है। इसका ब्लेंड पे जाके इसका जो ब्लैक बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर लेना है। तो देख सकते हैं कुछ वीडियो हमारे यहाँ तक इस तरह से बना है गाइस। इसके बाद हमें इसमें यहाँ पे जो भी कुछ रखना है, यहाँ पे हम डायनासोर रख दे रहे हैं, डायनासोर का बैकग्राउंड जो है ग्रीन इसको रिमूव कर देना है, अच्छे से उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। इसको बड़ा करके ले जाके पीछे रख देंगे, उठा के यहाँ पे सेट करके रख देंगे इसको। इसके बाद जो है ड्यूरेशन जो है इसको स्लो करना है, इसका जो ड्यूरेशन है इसको स्लो कर देना है, स्पीड इसका कम नॉर्मल पे करके एकदम कम कर देना है। अब गाइज एक काम और बाकी रह गया इसमें, यहां से फिर से ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे, ऐड ओवरले पे क्लिक करके जो जमीन धसने वाला है फटने वाला है वो वाला वीडियो ले आएंगे, जो जमीन ब्लास्ट हो रहा है उसका ग्रीन स्क्रीन ले आएंगे, यहां से इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देंगे, इसको फुल स्क्रीन में सेट कर देंगे। इसका ग्रीन जो है बैकग्राउंड उसको अच्छे से रिमूव कर लेना है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके हटा देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट जो लेयर है सब कट करके हटा देंगे ऐसे। चलिए वीडियो प्ले करके देखते हैं एक बार। तो गाइस अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।